ले लूं पूरा काम। कहां से? शमशान से, कब्रिस्तान से? काटो उसकी मुंडी काटने की तैयारी करो। लगा जोर से। बच्ची कहां मिली तुझे? बच्ची कहां मिली? हाँ, कहां से पकड़ा बच्ची को? कहां से? हाँ, काटो उसकी मुंडी काटने की तैयारी करो तेज साथ में। काट दूं? हाँ हाँ काट लूं। चल बता जल्दी, जल्दी बता जोर से। अबे 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 है कौन बे तू औरत? हाँ ऐसा बता, शमशान से करी, कब्रिस्तान से करी? हाँ बच्ची तेरी कौन होती? क्या दुश्मनी तेरी और बच्ची की? हाँ छोड़ दे, क्या दुश्मनी? छोड़ो मत उसको, और तेजी से जकड़ कर काट के टुकड़े करेंगे उसके, काट के ले लेंगे उसके हाथा पीता सब। जकड़ो उसको तेजी के साथ में, सारी सिद्धि खत्म करेंगे उसकी, उसकी आंखें फोड़ो सबसे पहले। जादू टोना करने नहीं आना उसको, दिखना नहीं कुछ। मेरे तरफ मार, ये ऐसा रहता। कौन सी चीज़ शैतानों को ताकत देते जो नहीं पता? कोई चीज़ नहीं पे नहीं ताकत दे रहा था उसको, तांगा काटने के तो कदा ताकत मिल रही थी उसको, तागे से उसको तेजी से काट के ले लो उसको, ये तांगा उसको ताकत दे रहा था। जब तक कोई चीज का इल्म नहीं है, करना नहीं, मन वाले दिल से करो तो यही ताकत मिल जाए शैतान को। तू जिसकी पूजा करती ना उसको भी मैंने कायद में रखा मेरे पास में, वो खुद कायद में नहीं। तेरी क्या मिसाल है मेरे सामने? कैसे बड़ा है वो? ऐसा उसको कायद में रखा आला, मैंने जाके पूछना था उसको, उसको अम्मा से पूनम में जगड़ो उसको नाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से जादू कर रही हूँ बच्ची पे। तेरा नाम नहीं पूछा मैं, सिर्फ इतना पूछा जादू कहाँ से कर रही? क्या दुश्मनी थी तेरी? नूर जहाँ से क्या दुश्मनी थी तेरी? बोलता नहीं, बोलता बोलता नहीं, बोलता जल्दी बोल। हाँ जल्दी बोल, जो पूछा उसका जवाब दे, एडवांस में कोई जवाब नहीं मुझे। हाँ झगड़ो सकते जैसे नहीं छोड़ते तुझे, तुझे दूर हटना वाला सब बता सही सही कौन डाले थे तो? मैं बोलता झोड़ पे। हाँ कहाँ से लाए थे? पहले बोल जल्दी, तो छोड़ेंगे। कौन है तू? मरा हुआ इंसान है, जिन्नात है, खबीस है, कौन है? कौन है? हाँ बोल, देखा ना जीत नहीं सकता तू हमारे से, पूरा मार के भस्म कर देंगे तुझे। चल हाँ जल्दी बता तू कौन है? हाँ कौन है? अच्छा कौन से कलर का ड्रेस था इसका? काला। काला था। कब ले गए? कितना टाइम हो रहा ली जाके? छोड़ो उसको, बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी बता। नाम नहीं पूछा मैं, कौन लग गया? औरत ने लग गया, आदमी ने लग गया ड्रेस को? कौन लिया? कौन लिया था? अच्छा उसकी माँ की तरफ की बाप की तरफ की रिश्तेदार है? नाम नहीं पूछा मैं, कौन है? जोर से माँ की तरफ की है। कितना टाइम हो रहा बच्ची पे जादू करके? कितना टाइम हो रहा? 3 महीने। क्या बोल के करे सो जादू? क्या मकसद से करे? क्या?
अच्छा बच्ची को मार देने के वास्ते जादू करे कभी भी मार दे ऐसा बोले। अच्छा जादू करे तो शमशान से करे कब्रिस्तान से करे दोनों भी बार मार रहे। अच्छा इस घर में और किस किस को माँ को बाप को भाइयों को बहनों को वो भी उड़ा दिए इसके घर की बरकत छीन ली नाम पूछा कौन डाले कौन डाले वो औरत का नाम पांच जनों का नाम जल्दी बोलो तो हाथ काट दूंगा तेरे घूम देखे जल्दी टाइम नहीं मेरे पास कौन कौन है पांच जनों देख नाम नहीं बता था जोर से बोलो तो भी काट दूंगा कैमरा नजरदार में नाम बोल रहा था जल्दी बोल नाम नहीं बता था नहीं बोलता नाम नहीं बोलता भाई जल्दी बोलो तो भी नहीं बोलना पड़ेगा इशारे बता तू भाई नहीं नाम बोल इशारे बता तू भाई इशारे बता तू कमीने साले तेरे पैर काट के लगा दूंगा अभी हां जल्दी नाम बता इशारे बता तू भाई नाम नहीं बता था अरे नाम नहीं बता था चलो तेजी के साथ में हाथ पकड़ दूसरा नाम जल दे दूसरा नाम क्या है दूसरा चार आदमी नाम सबके नाम हाँ जल दे बोल सबसे पूछना तेरा नाम जल्दी बोल बोल कौन है और कौन है और कौन है इमाम हाँ इमाम हाँ और छोड़ दे और तो बोल ना फट फट नाम बोल ये बोल ना छोड़ हाँ जल्दी ऊपर ऊपर टकला दो इसे हाँ जल्दी जल्दी बोल हाँ बोल टाइम नहीं हमारे पास जल्दी जल्दी बोल हाँ दूसरा कौन है दूसरा आशीष हाँ आशीष तीसरा उसके बाद जल्दी टाइम नहीं मेरे पास हाँ और कौन है हाँ जल्दी जल्दी हाँ कौन है जल्दी चलो उसके हाथ पकड़ो काट के पसंद करेंगे जकड़ लो सुते हैं जिसके साथ में नहीं बोल रहा हाँ जोर से बोला उल्टा आके सब कुछ ने हाँ पंखे की स्पीड कम करो दो मिनट पंखे का बटन बंद करो हाँ हाँ गोल बटन के पास जुबान इधर का हाँ हाँ और कौन है हाँ और जकड़ लो उसके अंदर से और तेजी से खुर्शीद जोर से बोल खुर्शीद हाँ और सलमान हाँ सलमान हो गए क्या हो रहे हो गए और क्या दुश्मनी थी बच्ची के साथ में और लोगों की नूरजहां के साथ बताया सही दुश्मनी नहीं बोला तूने दुश्मनी क्या थी करने की वजह हाँ मुझे नहीं पता अच्छा कपड़ा कौन लग गया थे बच्ची का ये कौन से कलर का लग गई थी कितना टाइम होगा ली जाके 3 महीना अच्छा कपड़ा ली जाके कहाँ से जादू करे शमशान से कब्रिस्तान से अच्छा उसको लाके बंगाली भी आती है अच्छा अच्छा और कहीं में मिला के खिलाए बच्ची को दवा पानी में हाँ पानी में पानी किसके घर पे पिलाए इसके घर पे क्या उसके घर पे जो बच्ची हमेशा जाती है उसके पास बच्ची किसके पास जाती है उसके पास किसके घर पे किसके बिस्मिल्लाह अच्छा तो दुश्मनी क्या थी जादू करने की दुश्मनी क्या है
मुझे नहीं पता औरत को मालूम हो। सही बोल सही। मुझे क्या हुक्म दिए? मुझे मारने का हुक्म दिया है। सबको एक एक से मारने का? खाली बच्ची को? बच्ची को सिर्फ। अच्छा तो अभी कब मारने वाला? टाइम देख के मौका। अम्मास जोर से बोल। उनकी बात अम्मास आती ना, वो अम्मास ने मारना है। कैसा मारना? बीमारी डाल के एक्सप्लेन करके कैसा? फांसी देके। जोर से बोल। फांसी देके, गला दबा के। अच्छा और घर में क्या क्या तकलीफ दे रहा था तू इन लोगों को इसके आग में जाके? हाँ बच्ची किसी का नहीं सुनना। हाँ और किसी के साथ अच्छा नहीं रहना। हाँ और बीमार गिरना। हाँ और हाँ और क्या कर रहा था घर में? खैर ऊपर का दौड़ा था घर में, किरकिरिया भी लगाया था। हाँ जोर से बोल। बच्चे पे किसका भरोसा नहीं रहना। हाँ। देख बच्ची को मैं जाने दो मम्मी। मैं अब जाता। जाता कैसा जाता? इजाजत दिया मेरी जाने की तूने? कमी ने बाप का तुम्हारा रथ चल रहा है? तुम्हारे हुकूमत आए क्या? हाँ मना कर रहे लोगों के आंगन में घुस के? तो कर जल्दी मुझे हाथ मार दोनों उठा के। तोबा तोबा कर उल्टा के। तोबा तोबा कर। चीख मार के बोल मुझे सुने आना। जोर से मुंह पे हाथ मार के। हाथ मुंह पे मार दोनों हाथा। तोबा तोबा बोल जल्दी। परिणा लोगों को परेशान? नहीं। ठीक है तुम्हारा सारे जादू को लपट के नारा को खत्म कराता हूँ। बहुत मनमान है तू। जिन्नात में से है क्या? मरे वाले इंसान की नस्ल में से? किस में से? क्या है आई में? सीधा बोल, सीधा सीधा बोल, किसकी नस्ल से है? हाँ क्या है उसका मतलब? अच्छा झगड़ो की तेजी से नारा को जला दू पूरा। हाँ पूरा कर दू खत्म। नहीं करूँ खत्म। छोड़ दे। हाँ छोड़ दे। मैंने नाम बताया सब करा मुझे जाने दे। तुझे मर के कितना टाइम हो रहा? मुझे मर के एक साल हुआ। कहाँ मारा था? कौन से गाँव में? देख मैं यूपी से हूँ। अच्छा मेरी कब्र यहाँ पे है। अच्छा कहाँ पे? कौन से गाँव में? एक झाड़ है। हाँ। उसके नीचे है। अच्छा सीधे हाथ को आता है। हाँ। कौन से गाँव में? ये बिस्मिल्लाह नाम की औरत जाती। हाँ। वो गाँव में इसके। हाँ। ये हाँ। सलमान ने ले गया हुआ रहा है। हाँ। हाँ। चल तोबा तोबा कर निकल। तोबा 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 ये जो दास्तान अभी चली सामने तो ये पानी सुबह शाम दो टाइम मुंह पे मारते रहना। इधर कुर्सी चारों खुल है। इधर कुर्सी तीन तीन चारों खुल सात बार। इधर कुर्सी सात सात बार पड़ के पानी तंग करना। उसको मुंह मारना। दूसरा पानी बढ़ाते रहना पिलाते रहना। कैमरा तो मारो। ये जो हरकतें हैं ये जो दास्तान है इनके सारे क्या नाम है मुझे तो पता नहीं। मगर जो भी पकड़ के वाला से नाम पूछा है वो घर में जाके परेशान कर दी। क्या परेशानी होती थी तुम्हारे घर में? वो कपड़ा लगा के रखो मुँह को। हाँ जोर से बोलो। मारने आने का, गिरने का, खाने का, तो कपड़ा रखो लगा के। हाँ और दिन भर रोने का, सुबह से शाम तक रोते। मेरा गला दबा रहे, मुझे रहने नहीं देते, काम भी लेके चल गूं के हाँ। चार दिन में परेशान कर दी। चार ना छाए दे मैं तो मुहर्रम नहीं। अभी मुहर्रम आती ना वो सवार एक बार अगर मिल जा रहा था अंदर कपड़ों ले जाने का। ओ उस क्या दास्तान चल रही है? उन्होंने बता दिया उसकी मुद्दत बनी आ गई। मुद्दत बनी थी तुम्हारे बयान करा उसने मुहर्रम की बात के अम्मा से उसे जान लेके देंगे निकाल के। खैर अभी तो अल्लाह के तुमसे निकाले। मगर ये जो है ये कहीं लगा हुआ नहीं है खुद ब खुद। ये जो दास्तान चल रही है दवा से अटैच है।
उन्होंने क्या बोला, पानी के अंदर मिला के पिला दिए थे, फिर ये बाहर जाने के बाद फिर उसको दवा खींच के वापस बुला दी, जैसा लोग चिमक का सा लोहे को खींचता वैसा। और हाजिरी जो रहती है तो एक 100% रहती है और एक 85% या 50% ऐसी आती है जिसमें पेशेंट को सब याद रहता क्या बात आओगे, और 100% जो आती तो वो तो पेशेंट कुछ भी याद नहीं रहता, क्या हुआ उसको, क्या है, कितनी देर क्या चला, कुछ भी निकाल होता उसको, कहाँ है क्या, पानी मार के उसमें ला। इसमें से अलग अलग दास्तान है, सब ऐसे बातें हैं। खैर अल्लाह, क्या बयान करना, क्या बोलूं मैं, बोलने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। ऐसे नहीं करना दास्तान है, तुम दूसरे का घर गर्म पानी से जलाएंगे तो तुम्हारा भी तो यकीनन फिर जलेगा ना, कैसा नहीं, तुम दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे तो तुम दूसरे का घर गर्म पानी से जला तो तुम्हारा धूप में जल जाता, फिर ये अल्लाह का निजाम है। इसलिए बेहतर है कि दूसरे के लिए खड्डा मत खोदो, खुद भी खड्डे में गिर जाते। इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, तुम ये क्या कर रहे, कौन से राह पर भटक गए, किधर चले गए तुम लोग, इबादत की राह छोड़कर एक दूसरे को जादू टोने कर रहे। मामा और बहना, तुम लोग एक बात जहन में रखो, तुम होम की मेन जड़े है, बुनियाद है तुम, क्योंकि तुम्हारे कोख से जो नस्ल पल के बाहर निकलती फिर जो तुम्हारे गोद में खेल के बड़े होके जो जाती वो तो उम्मत है, वो तो कौम है ना फिर पूरी। तुम्हारा अगर गोद और तुम्हारी पेट सलामत नहीं रहेगा, तुम्हारे माँ के पेट से माँ इबादत नहीं करेंगी, जब हमल ठहरेगा, माँ के पेट में बच्चा है, माँ अगर इबादत करती ज्यादा से ज्यादा तो बच्चा रूहानी में पावरफुल पैदा होगा, पैदा होने के बाद जब गोद में रहेगा तो उसको दीन दुनिया की तालीम दो, मगर पेट में तो उसको रूहानियत की तालीम दो ना, जिक्र अस्कार तुम करेंगे, तुम सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल, सूरह वाकिया, सूरह जिन जो भी तुम पढ़ेंगे तो बच्चे को रूहानी गजा मिलेंगे अंदर से, रूहानी। इंसान का शरीर को भी खाना लगता, शरीर के लिए जरूरी है खाना, तो वैसे ही रूहानियत के लिए जरूरी है जिक्र अस्कार, इबादत करना, उससे पावरफुल होती है और जिसम खाने से पावरफुल होता। कमजोर जब हो जाता पेशेंट तो बोलते ना इसको काजू बादाम खाने वाने हरीरे खिलाओ, एक्स वाई जेड जो भी, तो इसको ताकत देगी, तो वैसे ही रूहानी को पावरफुल बनाना पड़ता है ना, रूहानी पावरफुल देंगे तो तुम जन्नत के हकदार रहेंगे, जन्नत तुम पर वाजिब हो जाएगी, और तुम अगर ऐसे हरकतें करेंगे जादू टोने में मुवल्लिस हो जाएंगे और जादूगरों के पास जाएंगे तो तुम पर जहन्नुम फर्ज हो जाएगी, जाना तुमको जहन्नुम में जाना ही पड़ेगा। और ये मत सोचो कि हम जहन्नुम में चले जाएंगे और दोजख में चले जाएंगे और बाद में फिर हम निकल के आ जाएंगे, नहीं, नो चांस, एक बार चले गए खत्म, तुम्हारी शफाअत की दुआ नहीं होगी, मगफिरत की नहीं होगी, कुछ नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो जादूगर के पास जाता वो हमें से नहीं, वो हमें से नहीं, वो हमें से नहीं है। तुम अल्लाह वालों के पास जाओ, तुम बुजुर्गान दीन के पास जाओ, तुम अल्लाह वालों के पास एक लम्हा अगर बैठेंगे तो हदीस कुदसी में भी आता कि वो लम्हा, हदीस में भी है कि वो एक लम्हा 60 साल की इबादत गिना देगा तुम्हारी, तुम जादूगर के पास जाएंगे तुम्हारी 60 साल की इबादत रद्द कर दी जाएगी एक मिनट के अंदर। ये सब बातों पर अमल करो, अल्लाह कहे सुनने ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। मैं तुमको ये सब बलास्तान इसलिए बताता कि जादू टोना नहीं है बोलकर नहीं, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे, भी जादू भी है दुनिया में, अल्लाह ने जादू भी रखा और उसको हटाने वाले भी रखा, अल्लाह को जमीन पे आके नहीं हटाता, अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से हटाने लगा था। और मौजजात और ये जो चमत्कार दिखते, तो ये मौजजात अल्लाह सूरह मरियम के अंदर कुरान के अंदर फरमाता कि मौजजात अल्लाह के हुक्म से दिखते, मौजजात तुम कभी भी कोई भी वक्त नहीं बता सकते, अल्लाह जो वक्त मुकर्रर करता वो वक्त में मौजजात दिखाता। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा रहे थे, जुल्म देने की तैयारी करे तो आपने कहा मौजजा बताए, जब वो नहीं बताए ना, जबकि आप मट्टी की चिड़िया को बनाकर फूंक मारे तो उसमें जान आ जाती थी, चली जाती थी उड़के, आप पानी को रुक जा बोले तो रुक जाता था, आप मुर्दे को बोलते थे कुम बेजनिल्लाह उठ अल्लाह के हुक्म से तो उठ के बैठ जाता था, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं बताया आपने जब आपके ऊपर पूरे यहूदियों ने हमला कर दिए थे, तो इसलिए नहीं बताया कि जब अल्लाह का हुक्म नहीं था, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमा दिया ना कि अल्लाह के हुक्म से ही मौजजात दिखते, और मौजजात अल्लाह के वलियों से बुजुर्गान दीन कुतुब अब्दाल ये लोगों के हाथ से दिखाता अल्लाह। इसलिए समझो और अकल से पैदल बातें मत करो, ये सब चीजें हैं, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। अगर तुम बोलेंगे हम जादू टोने को नहीं मानते, हम शैतान को नहीं मानते, हम जिन्नात को नहीं मानते, हम राक्षस को नहीं मानते, तो फिर तुम गर्क हो गए, खत्म हो गए, फिर तुम्हारी दुनिया भी गई, आखिरत भी गई, क्योंकि तुम, मैं क्या बोलूं, तुम नहीं मानेंगे तो कुरान के अंदर मानना पड़ता, शैतान जिन, अल्लाह फरमाता हमने इबादत के लिए बनाए थे जिन वो इंस, और ए जिन और ए इंस सूरह रहमान के तरफ फरमाता भाग जाओ, कहां तक भागते, भागो अल्लाह की रियासत छोड़ के निकल जाओ, तुम जहां पर भी जाओगे खुदा को ही सुल्तान पाओगे। तो ये बातें, तो अगर जिन्नात को नहीं मानेंगे, जादू को नहीं मानेंगे, तुम ईमान से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उस पर भी हमारा ईमान है ना, हमने ईमान लाए कुतुबों पर, अब्दालों पर, वलियों पर, पैगंबरों पर, कुरान पर, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, जादू है, जिन्नात है, शैतान है, सब पर ईमान लाए वाला है, तो
इसलिए ये बातें याद रखो, छोटे छोटे बातें मगर है बहुत बड़े, पूरी जिंदगी तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती अगर जिस घर में जादू करना घुस जाता। इबादत के रस्मों को मजबूती से थामना और सिर्फ अल्लाह वालों के दर पे जाना, सिर्फ अल्लाह वालों के दर पे आना। और एक बात याद रखना कि अल्लाह वालों के दिल में जरा भी बोझ नहीं रखना, तुम दिल बराबर भी बोझ रखोगे तो अल्लाह वाले तुम पे जादू भी नहीं करते पलटा के, क्योंकि उन्होंने जादू हटाने बैठे हैं। और दूसरी बात, उन्हें बद्दुआ भी नहीं करते तुम्हारे हक में, खरीब बोलते कि अल्लाह जाओ तुझे माफ कर, मगर अल्लाह ने छोड़ पकवा। अल्लाह बोलता कि मेरे वलियों को बुरा बोलते, बोल के पहले से फरमा दिया कि जो भी मेरे वलियों के वास्ते दिल में तिल बराबर भी बुग्ज़ अगर रखते होंगे तो उनसे अल्लाह खुले जंग का ऐलान करता, अल्लाह खुले जंग का ऐलान करता तुम्हारे से। तुम अगर मजाक मजाक में भी तुम वलियों को बुरा बोल के निकल गए तो खत्म, तुमने अल्लाह से जंग का ऐलान कर दिया, अल्लाह ने तुम्हारे से जंग का ऐलान कर दिया। कहां बच के भागेंगे, कहां तक भागेंगे, किसके साथ भागेंगे, कहां जाएंगे, किसके रियासत में जाएंगे, जहां पर भी जाओगे खुदा को ही सुल्तान पाओगे, फरमा दिया ना अल्लाह ने। तो अल्लाह कहे नहीं सुनने ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक देती है। बात याद रखना, कहा था ना मैंने, बोला था ना कि मेरे साथ में मत करो हरकत, क्या बोला था मैंने, तुम्हारे दिल पकड़ के मार देंगे, मारे ना बेमौत मरे ना, गए ना खबरों में जाके बैठे, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे करने की जरूरत नहीं रहती कुछ करने की, क्योंकि कराने वाला वो है या बिठा के सब किला गया तो बरोबर तुम्हारे तो बदले भी लेता ना, तुम्हारे बच्चों को मारता, तुमको मारता, सबको मार के तुम्हारे बताता क्या मसला रहता, कैसी तरह से समझो। अचानक तुम्हारे दिल पकड़ती मेरी फौज और मार देती, कितने मरे और कितने मरने वाले बेगैरत हो तुम, अपने हाथों से अपने जिंदगी गंवा रहे, और मैं किसी पे कुछ करता नहीं, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम देख रहे ना, देख रहे ना, पकड़ लो तो पकड़ लेते, जकड़ लो तो जकड़ लेते, हथकड़ा डाल दो तो डाल देते, या कौन पकड़ रहा किसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बरोबर उस पे हम मारते जिन्नात को, शैतान को पकड़ के। तो वो जो ताकत दिया जी अल्लाह ने, तो वो ताकत बर्दाश्त नहीं करती ना, तुम बुरा बोले अल्लाह वो सब भाप लेते तुम्हारे दिल के राजों को, सब तुम्हारे पहुंच के बरोबर हमला करते। फिर बोलते अल्लाह की जमीन पे रह के अल्लाह का खा के और खुदा का जो चुनिंदा बंदे उनकी ना फरमानी कर रहे, फिर तुमको सजा भी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया ना कि जंग का ऐलान, फिर तुम्हारे साथ जंग होंगी, और फिर ऐसी जंग होंगी तुम्हारे वबाओं में घेर लिया जाएगा, परेशानियों में घेर लिया जाएगा, कोई काम नहीं बनेगा, भीख को लग जाएंगे, ताप के तरस के तरस के गर्क हो जाएंगे और हलाक हो जाएंगे, क्योंकि उसको आजाब इलाही बोलते हैं। यही ऐसी बात है, देखो कैसी खुदा की कुदरत है, देखो आज आ रहा ना समझ में, मन बोला था मत बोलो पूरा, जबान कट जाएंगी, कैंसर हो जाएगा, होगा ना कितों को जबान में कैसा काटे कैंसर करके, एक बार कटी फिर डबल से कटी जबान, फिर उसके बाद में दिल पकड़ के मरेंगे, बोला था मन दिल को पकड़ लेते हैं, तुम्हारे हार्ट को ब्लॉक करके मार देते झटके के अंदर, मरे ना बेमौत जाके बैठे ना खबरों में, अब तुम खबर में भी सुकून से नहीं बैठने देते लोग, वहां से भी उठा के ले जाके और तुम आपको कामों पे लगाते। बहुत सारे बातें अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे, अक्ल से अंधो कब समझेंगे और कब सुधरेंगे, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी, अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो इबादत की, और इबादत की राह पर चलो, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ पढ़ते रहो हर वक्त, तुम जिक्र असकार में रहेंगे तो जादू कोने से महफूज रहेंगे, मगर आसमानी बाबा जब अल्लाह की तरफ से आजाब नाजिल होता उससे तुम्हारा कौन बचेगा, इसलिए वलियों को पूरा नहीं बोलना, फिर आजाब नाजिल होगा तो फिर दुआएं भी काम नहीं करते तुम्हारे, तुम्हारे जबान से कुछ को बोलने होता फिर, इसलिए बेहतर है अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे। कहां से आए थे, पानी दो गिलास में डाल के, जल्दी क्या नाम है बच्ची का, नूरजहां, ए नूरजहां, अरे नूरजहां, अरे उठो क्या होगा, पानी दो मिनट पिए और दुपट्टा डालो उसके लिए, ए नूरजहां अरे क्या होगा उठो पानी पियो, कहाँ गए इधर, पानी पियो पानी आराम से आराम, कौन से आए थे, जोर से बोलो, लातूर में कहाँ रहते, लातूर में नहीं, मैं गिरती हूँ, मुझे लगातार लगाया हमारा, अच्छा अच्छा, और ऐसा सीढ़ी ऐसे बोल को खेड़ा है,